जय माता दी, जय शनि देव। मित्रों, अंतरिक्ष का सफर करते करते आज हम राशि माला की 12 नंबर की राशि मीन राशि तक आकर पहुंचे हैं। मीन राशि है राशि माला की 12 नंबर की राशि है, अंतिम राशि है, लेकिन सृष्टि का अंत नहीं है, क्योंकि जहां मीन राशि खत्म होती है वहीं से मेष राशि शुरू हो जाती है। क्योंकि राशि माला तो गोलाकार है, यह राशि चक्र है, इसका कोई एंड नहीं है या शुरुआत नहीं है। यह तो हमने अपने सुविधा के लिए पहले नंबर की राशि और 12वें नंबर की राशि बता दिया है। और सच पूछो तो यह मोक्ष की राशि है, क्योंकि मीन राशि के अंदर जो नक्षत्र आते हैं, आप जानते हो कि हर राशि 3 नक्षत्रों से बनी होती है। इसी प्रकार मीन राशि पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, इन 3 नक्षत्रों से बनी होती है। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के 3 चरण कुंभ राशि में आते हैं और 1 चरण, अंतिम चरण मीन राशि में आता है। और उत्तरा भाद्रपदा और रेवती नक्षत्र, इन दोनों नक्षत्रों के 4-4 चरण, यानी ये दोनों नक्षत्र पूरी तरह मीन राशि में आते हैं। पूर्वा भाद्रपदा से लेके तो रेवती का जो अंतिम चरण है, तब तक के ये सारे नक्षत्र मोक्ष के नक्षत्र माने गए हैं। इसीलिए इस राशि को शिव की राशि कहा गया है। इस राशि माला के अंदर जब मैं विवेचन कर रहा था, तब मैंने एक बात और बताई थी कि वृश्चिक राशि शिव की प्रिय राशि है, वृश्चिक राशि शिव की राशि है और मीन राशि यह भी शिव की राशि है। तो दोनों में एक विशेष अंतर है। वृश्चिक राशि में शिव का, भोलेनाथ का तांडव स्वरूप है, वह उद्रेक का स्वरूप है, वह तेज पुंज है, और मीन राशि में शिव का शांत स्वरूप है, समाधिस्थ स्वरूप है, मोक्ष का स्वरूप है। यह सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। मैंने इन सभी राशियों के बारे में जितने भी वीडियो बनाए हैं वो सारे YouTube पर अपलोड किए हैं, और आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप YouTube पर इन वीडियो को देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अगर वीडियो पसंद आते हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करिए। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इन राशियों के जितने भी वीडियो बनाए हैं ये सिर्फ वीडियो आप लोगों के आशीर्वाद के कारण ही मैं बना पाया हूँ। आप लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया और इसीलिए मैं इसके बारे में पढ़ाई कर पाया और मैं आपके सामने उचित सलाह और उचित मार्गदर्शन देने का यह प्रयास किया है। इसलिए आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए हम बात करते हैं डिटेल मीन राशि के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि मीन राशि है मोक्ष की राशि है, शिव की राशि है, समाधिस्थ शिव की राशि है और जल तत्व की राशि है। तो एक मुझे कथा याद आती है कि जिस कथा के अंदर हमारी जीवनदायिनी गंगा और सृष्टि की सबसे पुरातन नदी, सबसे पावन नदी नर्मदा, गंगा जी और नर्मदा जी, इन दोनों में किसी बात पर विवाद हो गया और आखिर में दोनों तपस्या के लिए बैठ गई। दोनों ने शिव जी का तप करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ तप के बाद शिव भगवान प्रकट हो गए। सबसे पहले वो गंगा जी के समक्ष प्रकट हुए, गंगा जी से कहा कि वर मांगो। तब गंगा जी ने उनसे वर मांगा कि भगवान आप मुझको आप में समाहित कर लो, और तभी से गंगा जी भगवान शिव में समाहित हो। उसके बाद भगवान शिव नर्मदा जी के सामने प्रकट हुए। नर्मदा जी से पूछा कि बोले बेटी मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगना है, वर मांगो। तब नर्मदा जी ने कहा कि भगवान आप मुझ में समाहित हो जाओ। गंगा जी ने कहा था कि भगवान आप मुझको आप में समाहित कर लो, और नर्मदा जी कह रही है कि भगवान आप स्वयं मुझ में समाहित हो जाओ। बड़ा अंतर है मित्रों।
और इसीलिए कहते हैं कि नर्मदा जी का हर कंकर शंकर होता है। इसीलिए गंगा जी और नर्मदा जी इन दोनों की राशि मीन राशि मानी जाती है। स्वयं समुद्र देवता इनकी राशि मीन राशि मानी जाती है। बड़ी महत्वपूर्ण राशि है मीन राशि, शांत स्वभाव की राशि है, बड़ी प्रेरणादायी राशि है, एग्रेसिवनेस नहीं है इस राशि में। मैं अभी पिछले दिनों एक पिक्चर देख रहा था, एवेटार, आपने भी शायद देखी होगी। एवेटार पिक्चर के अंदर मैं एक सीन देख रहा था जिसके अंदर दो व्यक्ति जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वहां पर वो एक दूसरे की पूंछ को एक दूसरे के साथ मिला लेते हैं, और उसी समय मुझे लगा कि यार ये तो मीन राशि का स्वभाव हुआ, क्योंकि आप अंतरिक्ष में मीन राशि का प्रतीक चिन्ह देखिए। मीन राशि का प्रतीक चिन्ह है मछली। मीन कहते से ही आपके दिमाग में आ जाएगा, आपके जहन में आ जाएगा कि मछली है, और यह मछली अकेली मछली नहीं है, दो मछलियां हैं। एक मछली का मुंह उत्तर की तरफ है और पूंछ दक्षिण के तरफ नीचे की तरफ है, दूसरे मछली का मुंह दक्षिण के तरफ है नीचे की तरफ है और पूंछ ऊपर की तरफ है, गोलाकार स्वरूप है, लेकिन यह गोल पूरा पूर्ण गोल नहीं है, यह गोल दो भागों में बटा हुआ है, पाप और पुण्य में बटा हुआ है। मैं पिछले दिनों प्रकाश आमटे की जो प्रकाशवाटा किताब है वो पढ़ रहा था, उस किताब के अंदर मैंने कुछ चित्र देखे, उस चित्र में मैंने देखा कि शेर, लॉयन, टाइगर, इस टाइप के जानवर उनके पास है, और उन जानवरों को कंट्रोल करने के लिए वो उसकी पूंछ पकड़ते हैं, और जैसे ही वो पूंछ पकड़ लेते हैं वह लॉयन कंट्रोल में आता है। इसका मतलब पूंछ का कहीं तो भी मीन राशि के साथ संबंध है। तब मुझे समझ में आया कि मीन राशि के साथ इसका संबंध इतना गहरा क्यों है। तो वास्तु पुरुष के जो नीचे का अंग है, जो टखनों से नीचे पैर है, तलवे है, उसके ऊपर मीन राशि का प्रभाव होता है। इसीलिए जब हम ईश्वर के दर्शन करने जाते हैं, जब हम गुरु के दर्शन करने जाते हैं, तो उस गुरु के दर्शन करते समय हम उनके पैरों पर नमन करते हैं, साष्टांग दंडवत, साष्टांग नमस्कार हम पैरों पर करते हैं, क्योंकि सारी ताकत, सारा पुरुषार्थ पैरों पर है। वो पुराने लोग कहते हैं कि सर ठंडा होना चाहिए और पैर गर्म होना चाहिए। तो जब तक मनुष्य के पैर गर्म है तब तक यह माना जाता है कि मनुष्य जिंदा है, जीवित है, और जब उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं तो यह समझ लिया जाता है कि वह मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो मैंने आपको बताया मीन राशि के प्रतीक चिन्ह के बारे में। मछली जल में रहती है और जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। कर्क राशि का तत्व जल तत्व है, वृश्चिक राशि का तत्व जल तत्व है, और मीन राशि का तत्व भी जल तत्व है। तीनों राशियों का तत्व जल तत्व है, लेकिन तीनों की विचारधारा में अंतर है, तीनों की सोच में अंतर है, तीनों के स्वभाव में अंतर है। क्या वजह है? बिल्कुल थोड़े शब्दों में और छोटे शब्दों में मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि कर्क राशि के अंदर जो जल है वो बहता हुआ जल है, वह दरिया का जल है जो समंदर में मिलता है। वृश्चिक राशि के अंदर का जो जल है वह उद्रेक है, वह जो बड़ी बाढ़ आती है उसका जल है, उफनता हुआ समंदर वह जल है। और मीन राशि का जो जल होता है वह समंदर का जल है, गहराई वाला जल है, अथांग जल है, और ऐसा जल है कि जिसकी गहराई को कोई नहीं नाप सकता, जिसका अंत किसी को पता नहीं, ऐसा अंतहीन जल
ऐसा गहराई वाला जल, ऐसा विविधतापूर्ण जल मीन राशि में आता है। और इसीलिए मीन राशि का व्यक्ति संवेदनशील होता है। मीन राशि के व्यक्ति के संवेदना की गहराई को कोई नहीं जान सकता। मीन राशि का व्यक्ति बड़े आसानी से पहचाना जाता है। मित्रों, धर्म कर्मों में रुचि रखने वाले लोग मीन राशि के लोग होते हैं। बड़े श्रद्धालु स्वभाव के लोग होते हैं। आप ट्रेन में, बस में कहीं भी सफर करते हो तो आप देखिए आपके आसपास, अगर कोई मंदिर रास्ते से दिखता है, कोई नदी अगर दिखती है, तो जो व्यक्ति हाथ जोड़कर उस दिशा में नमन करता है, अधिकतर वो लोग मीन राशि के पाए जाते हैं। श्रद्धा से चलने वाले लोग मीन राशि के होते हैं। मैं तो कहीं भी जाता हूं दोस्तों, तो स्वभाव पे से राशियों को टटोलते रहता हूं। मनुष्य को देखता हूं, उसके चरित्र को देखता हूं, तो मुझे पता चल जाता है कि इसकी राशि ये होनी चाहिए। और मीन राशि के जो जातक है, उनकी खासियत आपको बताता हूं कि वो कभी भी चीटिंग नहीं करेंगे। झूठ बोलने से डरने वाले लोग मीन राशि के होते हैं। कभी भी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। किसी पर अगर अन्याय होता हुआ दिखे तो उन्हें बड़ी पीड़ा होती है, उन्हें बड़ा दुख होता है। किसी के दुखों को देखकर दुखी होने वाले लोग मीन राशि के होते हैं। श्रद्धालु किस्म के लोग होते हैं। कर्मकांड पर विश्वास रखते हैं। भगवान पर दिल से श्रद्धा रखने वाले लोग मीन राशि के होते हैं। और एक सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं कि मैंने आपको बताया कि आप मछली को देखिए, वो जीवन को यानी जल को अपना मान लेती है। वो इस प्रकार जल को अपना मान लेती है कि उसके बगैर वो जीवित नहीं रह सकती। पंछी अगर जल सूख जाए तो उड़ जाएगा, लेकिन मछली जल सूख जाएगा तो मर जाएगी। तो जिस प्रकार से मछली जल से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार मीन राशि का व्यक्ति संवेदनाओं से जुड़ा हुआ होता है, दिल से जुड़ा हुआ होता है। अगर किसी के साथ मीन राशि का व्यक्ति अपने रिश्ते बनाता है, तो उन रिश्तों के अंदर कभी भी व्यवहार नहीं लाएगा। कई लोग व्यवहारिक रिश्ते बनाते हैं, कोई शारीरिक रिश्ते बनाते हैं, लेकिन मीन राशि का व्यक्ति किसी के भी साथ भावनिक रिश्ते बनाता है, दिल से रिश्ते बनाता है। और जिससे उनका रिश्ता बनता है, जिससे उनका प्रेम बनता है, जिसे वो अपना समझ लेते हैं, उसे जिंदगी भर अपने साथ रखते हैं। परिवार के प्रति स्नेह रखने वाले लोग मीन राशि के होते हैं। मीन राशि के प्रथमाक्षर है दी, दू, झ, ख, न, चा, ची, जिसके अंदर दिनेश, दीपक, देवकी, चारुशीला, यतीन आदि नाम मीन राशि में आते हैं। और मीन राशि की खासियत यह है कि वह द्विस्वभावी राशि है। क्योंकि आप देखिए, मछली अकेली नहीं है, मछली का पेयर है। एक मछली का मुंह ऊपर की तरफ है, दूसरे मछली का मुंह नीचे की तरफ है, और इसीलिए द्विस्वभावी राशि है। ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस विवेचना में काफी दिखाई देते हैं ये लोग। किसी का दिल नहीं दुखाते, और अगर गलती से किसी का दिल अगर उनके वजह से दुख जाए, किसी को उनकी बात का बुरा लग जाए, तो अपने आप को सोचने लगते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं। यह एक खासियत उनमें होती है। कोई भी काम करेंगे तो सोचेंगे कि यह काम मैंने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसीलिए इन्हें द्विस्वभावी राशि कहा जाता है। और मैंने आपको बताया कि मीन राशि का प्रतीक चिन्ह मछली है। तो हमारे जो दशा अवतार है, उसमें सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार है। बीच में मैंने एक कथा सुनी थी, एक किसी कवि ने, बहुत बड़े कवि ने वो कथा सुनाई थी। तो एक बहुत बड़े सर्जन
बॉम्बे से अमेरिका जा रहे थे और बगल में वो कवि बैठे हुए थे। तो जैसे ही वो फ्लाइट टेक ऑफ हुई और कुछ देर के बाद वह जो बड़े सर्जन थे उन्होंने अपने हैंडबैग में से छोटे से लड्डू गोपाल निकाले, छोटी सी प्लेट निकाली, लड्डू गोपाल को उस प्लेट पे रखा, हैंडबैग में से रोली कुमकुम चावल निकाले, उन्होंने विधिवत पूजा की। बगल में कवि मित्र बैठे थे, वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। जब इनकी पूजा खत्म हुई तो बगल में बैठे कविगण ने डॉक्टर साहब से पूछा, बोले डॉक्टर साहब आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप रोज हजारों ऑपरेशन करते हो, फिर ये क्या है? तब उस डॉक्टर साहब ने कहा कि बोले आपने सही कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं सर्जन हूँ, मैंने इतने ऑपरेशन किए हैं, लेकिन यह श्रद्धा है, यह मेरा विश्वास है और मैं जानता हूं कि इनके आगे किसी की ताकत नहीं चल सकती, यह सृष्टि के स्वामी है। तो बोले आप ऐसे कैसे कह सकते हो? तो बोले मैंने देखा है, डॉक्टर साहब ने कहा मैंने देखा है, कोई पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में रहता है, इसके पल्स ठीक है, बीपी ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में एडमिट है, बगल में डॉक्टर्स लोगों की टीम है, लेकिन पता नहीं चलता कब उसकी सांस निकल जाती है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम दावे के साथ कई बार कहते हैं कि नहीं इसे कुछ नहीं होगा और वह हमारा दावा वहां पर फेल हो जाता है और हम देखते रह जाते हैं। और कई बार यह होता है कि हम कह देते हैं कि नहीं अब इसका लास्ट, इसका अंतिम समय आ गया है, हम कुछ नहीं कर सकते, जिसमें जान नहीं है ऐसी अवस्था होती है और भगवान का चमत्कार हो जाता है, वह आदमी जीवित हो जाता है, अच्छा भला हो जाता है। और तब मैं सोच में पड़ जाता हूं कि मैं तो सिर्फ नाम मात्र हूं, सारी शक्ति तो ईश्वर की है और इसी शक्ति को मैं नमन कर रहा था। तो यह शक्ति को नमन करने वाले व्यक्ति मीन राशि के लोग होते हैं। इसी प्रकार मीन राशि के जो राशि स्वामी है वे बृहस्पति है। बृहस्पति यानी देवों के गुरु, और देवों के गुरु कभी भी गलत बात नहीं बताएंगे, सत्कर्म की ओर लेकर जाएंगे, अच्छे काम करवाएंगे। और इसीलिए मीन राशि के व्यक्ति ने सवा छह रत्ती का पुखराज सोने में जड़कर धारण करना चाहिए, यह उनके लिए बड़ा लाभकारी होता है। उन्होंने गुरुवार का व्रत रखना चाहिए, गुरुवार का उपवास करना चाहिए। मीन राशि के व्यक्तियों के लिए पीला कलर अति शुभकारी माना गया है। गुरुवार के दिन उन्होंने पीले फल, पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला अनाज जैसे चना दाल है, तुअर दाल है, इस प्रकार की चीजों का दान करना चाहिए और गुरुदेव का जाप करना चाहिए। जैसे मैं हर राशि के बारे में बताता हूं कि एक महीना उनके लिए अति शुभकारी होता है, इसी प्रकार 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक का एक महीना जो है वह मीन राशि के लिए अति लाभकारी माना गया है। और इस विशेष राशि के लिए चार लाइनें मैं देता हूं कि पानी में तस्वीर कहाँ बनती है, कि पानी में तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों में तकदीर कहाँ बनती है, और हर पल याद करो उस परमात्मा को, क्योंकि यह जिंदगी फिर कहाँ मिलती है, क्योंकि यह जिंदगी फिर कहाँ मिलती है। तो यह जिंदगी हमें ईश्वर ने दी है, उस परमात्मा ने दी है, और यह सदैव याद रखने वाली राशि मीन राशि होती है। मैं सभी राशियों के बारे में षडाष्टक योग के बारे में बताता हूँ। इसी प्रकार मीन राशि का तुला राशि के साथ षडाष्टक योग होता है। मीन राशि और तुला राशि इन दोनों के बीच में विवाह संबंध या पार्टनरशिप कभी भी नहीं होनी चाहिए। आप पूछेंगे क्यों, तो उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि मैंने बताया कि मीन राशि यह पाप भीरु राशि है, श्रद्धावान राशि है, श्रद्धालु राशि है। इसी के विपरीत सही और गलत इन दोनों को बैलेंस करने वाली, सही और गलत इन दोनों को नापने वाली राशि तुला राशि है, और इसीलिए इन दोनों के विचारों में भिन्नता आती है, और इसीलिए
इन दोनों में विवाह संबंधी पार्टनरशिप ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से वर्जित माना गया है। और मैं हर राशि के बारे में बताता हूं कि कौन सी राशि वास्तु पुरुष के किस अंग पर पड़ती है, उसी प्रकार मीन राशि हमारे तलवों पर पड़ती है, पैरों पर पड़ती है। तो मीन राशि के व्यक्ति ने अपने पैरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तलवों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि का व्यक्ति बड़ा ईमानदार होता है, भावुक किस्म का होता है, संकोची होता है। और अंत में मीन राशि के लिए सिर्फ इतना ही कहता हूं कि कौन कहता है कि हम उसके बिना मर जाएंगे, कि कौन कहता है कि हम उसके बिना मर जाएंगे, हम दरिया है समंदर में उतर जाएंगे और वो प्यार की एक बूंद के लिए तरस जाएंगे, और वो प्यार के एक बूंद के लिए तरस जाएंगे, और हम तो बादल हैं हम और कहीं बरस जाएंगे, हम तो बादल हैं हम और कहीं बरस जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।